नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश राज सरकार में दिनों बाद दिन गर्त में मिलती जा रही है। 4 वर्षीय स्नातक प्रथम वर्ष नामांकन पर रोक लगाने का आदेश जारी कर युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। बिहार से कितने ही युवाओं का पलायन हो चुका है। महामहिम श्री राजेंद्र अर्लेकर के बिहार राज्यपाल के रूप में सकारात्मक प्रयासों पर बिहार सरकार अपनी दिशाहीनता के कारण रोड अटकाने का काम कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के शिक्षा क्षेत्र में स्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री कुलपतियों का बैठक और प्रिंसिपल का बैठक बुला करके नई शिक्षा नीति को नहीं लागू करने के लिए एक निर्णय लेते हैं और इसके पीछे रीजन देते हैं कि हमारे पास शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है और व्यवस्था नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसे बिहार नहीं चलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री किस ओर जा रहे हैं? नौमी फेल जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो इसी बिहार को बनाना चाहते हैं या नई शिक्षा लागू करके बिहार के युवा अपने रोजगार की ओर आकर्षित हो, उनको रोजगार मिले और एक नई ऊर्जा के साथ बिहार देश का नेतृत्व करे, उस ओर लेके जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार को बताना होगा कि बिहार को आप बेरोजगार और शिक्षित रखना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कहीं आपकी मंशा ये तो नहीं कि बिहार के युवाओं को अशिक्षित रखने के रख करके और वोट बैंक की राजनीति करेंगे कि बिहार के युवा पढ़ लेंगे उन्हें रोजगार मांगेंगे और रोजगार मांगेंगे तो मेरा वोट बैंक बंद हो जाएगा। तो नीतीश कुमार जी, जो आपने आपके शिक्षा मंत्री ने जो नियम निकाला है कि पार्ट वन में नई शिक्षा नीति नहीं लागू होगी, तो यह आपकी भूल है। अगर पार्ट वन में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है और बिहार में नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा और सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश का मंत्री सूरज सिंह। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई शिक्षा नीति